हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी इन क्लास 11th पीसीएमबी। अगर आपकी पीसीएमबी है तो आपको किस टाइप से 11th क्लास में स्टडी करनी चाहिए ताकि आपको उसका बेनिफिट क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सके। तो चलो फिर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस टाइप की वीडियोज़ और देख पाएँ। पहली बात, यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको ये बताऊँगा आपको किस तरह से पढ़ना है, राइट? तो बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की। फर्स्ट टिप है, गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्टडी। मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे कोचिंग पढ़ते हैं, मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे स्कूल पढ़ते हैं, मैटर ये करता है कि आपने खुद को कितना टाइम दिया, राइट? टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया, आप समझ गए उसको, लेकिन क्या आपने उसको खुद ट्राई किया? क्योंकि आप जब उसको खुद ट्राई करेंगे तो आपको वो बेटर याद रहेगा बजाय इसके कि वो टीचर ने एक्सप्लेन किया, राइट? वो भी आपको याद रहेगा पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जब आप खुद करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट टिप आपकी रहेगी कि गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्टडी, राइट? चलो फिर बात करते हैं हम अपनी सेकंड टिप की। सेकंड टिप इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। अपने आसपास एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए स्टडी स्पेस का। अब आपको अभी से लेकर चलना है, राइट? 11th में है तो 11th से लेकर चलिए कि आपको 12th तक आपके एक रूम का स्पेस कैसा है, कि आपको स्टडी स्पेस है कि नहीं। अगर आपके पास डेस्क है तो उस पर बैठ के पढ़िए, अगर नहीं है तो किसी भी एक अपने बेडरूम के बेड पर ही किसी कोने को एक कर दीजिए कि हाँ भाई मुझे यहीं पढ़ना है, राइट? अब उस जगह बैठ कर आपको ना ही कुछ खाना खाना है, ना ही फ़ोन यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ताकि जब भी आप वहाँ बैठें तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही याद आए। तो आपको एक स्टडी स्पेस क्रिएट करना है आसपास, राइट? एक ऐसा रूम चुनिए अपना जहाँ पर शांति हो। अगर शांति नहीं होती है तो कोशिश कीजिए कि उस रूम को चेंज करें, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए। अगर एक ही रूम है घर में तो कोशिश करें कि आप उसको हैबिट में ले लें, राइट? शोर में पढ़ाई करने की आदत डाल लें। अगर क्या करें, जब रूम नहीं है तो करना पड़ेगा इसका, ठीक है? तो बात करते हैं अब थर्ड टिप की। थर्ड इज यूज़ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स, राइट? आपको क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं और उनको अपने वॉल पर चिपका देना है, राइट? वॉल पर चिपकाना मतलब अपने दिमाग में चिपकाना। अगर आपने ये काम करा, आपने अपने रूम की वॉल्स पर अपने सिलेबस से रिलेटेड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट वहाँ पर अगर पेस्ट कर दिए तो वो आपकी नज़र के सामने रहेंगे, राइट? अगर वो नज़र के सामने तो बार बार नज़र पड़ेगी और उसमें से कुछ कुछ आपको याद भी रहेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ वॉल पर चिपकाना मतलब दिमाग में चिपकाना, राइट? तो आप उसको यूज़ कीजिए, आपको बेनिफिट होगा, राइट? जितनी भी चीज़ें हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में, अगर आप पीसीएमबी से हैं तो आपको फिजिक्स के फॉर्मूलाज, मैथ के फॉर्मूलाज एंड केमिस्ट्री के कंपाउंड सबके आपको चार्ट बनाना है और अपनी वॉल पर चिपका लेना है। चार्ट बना लीजिए या आप बाय कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो चलो फिर अब बात करते हैं हम अपनी फोर्थ टिप की। फोर्थ इज प्रैक्टिस ऑन ओल्ड एग्जाम, राइट? अब खैर ये बात की बात है, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर प्रैक्टिस कीजिए, राइट? ये खैर कॉमन टिप है लेकिन फिर भी मैं इसको इंक्लूड किया है ताकि आप इसको इग्नोर ना करें। बाकी चीज़ के अलावा तो आपको ये भी करना ज़रूरी है, आपने कितना भी पढ़ लिया हो लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ओल्ड एग्ज़ाम के थ्रू, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आपको चाहिए कि आप ओल्ड एग्ज़ाम पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, राइट? चलो बात करते हैं अब हम अपनी फिफ्थ टिप की। फिफ्थ इज़ एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर्स, राइट? सबसे अमेजिंग ट्रिक है किसी भी चीज़ को समझने की, राइट? अगर आप किसी छोटे से बच्चे को, लगभग 10 साल का या 5 साल के बच्चों को कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब कि आपको अभी वो खुद नहीं आती है, राइट? तो किसी को भी अपने घर में, आपका कोई छोटा भाई हो, छोटी बहन हो या कोई भी हो आपका पड़ोसी, तो आप उसको अपने कॉन्सेप्ट समझाइए कि देख भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उससे पूछिए कि क्या तुझे समझ में आया, जिससे क्या होगा कि आपको बोलने का तरीका भी आएगा कि भाई समझाते कैसे हैं, और साथ में वो आपका खुद भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई कैसे कैसे मैं समझाऊँ। जब आप दूसरे को समझाएंगे तो खुद भी बेहतर समझ पाएंगे, राइट? तो अगर समझ में नहीं आता है तब भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ पे फिर वर्क करेगा समझाने के लिए। तो एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर्स, प्लीज़ ट्राई दिस। नाउ सेकंड इज सिक्स्थ टिप, ऑर्गेनाइज
स्टडी ग्रुप्स विथ फ्रेंड्स। मतलब सीधी सी बात, आपको फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप बनाना है। अब मैंने क्या कहा, आपको 11th से ही तैयारी करके चलनी है आपने अपने 12th बोर्ड की, कि आपको वहाँ कैसा परफॉर्म करना है, राइट। तो अभी से आप उस अपना फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही बनाकर चलिए, अपना ग्रुप भी वैसे ही लेकर चलिए, ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें, आप स्टडी से जुड़े रहें। तो ऐसे ही ग्रुप ज्वाइन करें जो आपसे रिलेट करते हैं। आलतू फालतू ग्रुप्स को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको अच्छे से पढ़ना है, 11th क्लास है, छोटी बात नहीं है। तो ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विथ फ्रेंड्स। नाउ 7th टिप इज टेक रेगुलर ब्रेक्स, राइट। पढ़ना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है, जिससे क्या होता है आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और कुछ उसके बाद वो इफेक्टिव काम कर सकता है, राइट। तो जब भी आपको पढ़ना है तो उसके बाद आपको 5-10 मिनट का ब्रेक भी लेना है। अब आपको ये भी नहीं करना है कि ब्रेक ज़्यादा लंबा कर देना है या ज़्यादा छोटा कर देना है, ऐसा भी नहीं करना है कि आपको उस ब्रेक में आपने कोई गेमिंग करी, कुछ भी करी, आपने पूरे पर 2-2 घंटे निकाल दिए, ऐसा भी नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि आपने ब्रेक लिया भी नहीं है, राइट। तो रेगुलर ब्रेक्स लेते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया, आपने पुशअप्स मार लिए या कुछ सॉन्ग सुन लिया, लेकिन हाँ नेट ओपन नहीं करना, ऑनलाइन नहीं आना है, क्योंकि जहाँ आपका इंटरनेट ओपन हुआ वहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपके नोटिफिकेशन आएंगे, आप उन पर जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो जब आपने ब्रेक लिया है तो कुछ खा लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके काम नहीं आएगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि आपको पढ़ने के टाइम पे ब्रेक भी लेना चाहिए, आपका माइंड फ्रेश रहता है और थोड़ा इफेक्टिव काम कर पाता है। 8th इज स्नैक ऑन ब्रेन फूड, राइट। ये थोड़ी नई चीज़ है, इसको काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। आपको क्या करना है, आपको जब पढ़ रहे हैं आप तो आपको स्नैक्स खाने हैं। अब स्नैक्स आपको ये नहीं करना है कि आपको कुछ भी कोई शुगर चीज़ खानी है आपको, या फिर कुछ भी आपको जंक फूड खाना है, नहीं। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, फर्स्टली एक हेल्दी डाइट लीजिए, एक हेल्दी मील खाइए। साथ में स्नैक्स के लिए आप ले सकते हैं नट्स को, सीड्स को, योगर्ट्स को एंड फ्रूट्स को, ब्लूबेरीज वगैरह आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, राइट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी है आपके ब्रेन के लिए, राइट। तो आप फूड को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ नहीं तो स्टडी नहीं हो पाएगी आपकी, राइट। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर इन फूड्स को लीजिए और शुगर से बचिए, शुगर को ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए। और पढ़ने से पहले हैवी मील बिल्कुल ना लें, हमेशा लाइट मील लीजिए आप पढ़ने से पहले, ताकि आप एक्टिव रहें। अगर आप हैवी मील लेंगे पढ़ने से पहले तो सीधी सी बात आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा और आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमेशा पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए कि आप एक लाइट मील ही लें, ताकि आप अच्छे से फोकस कर पाएँ पढ़ाई के ऊपर, राइट। तो ये थी 8th टिप। अब बात करते हैं हम अपनी 9th टिप की, दैट इज प्लान योर एग्ज़ाम। ये भी आपके लास्ट में ही काम में आने वाली, जब आपके एग्ज़ाम टाइम्स होंगे वो कैसे, लेकिन आपको इसकी प्लानिंग शुरू से ही करनी है। मतलब कि आपको पता होगा कि भी जो एग्ज़ाम होता है वो 10-3 ही होता है, इसी बीच एग्ज़ाम होता है, पर 3 आवर्स का होता है, पर इन्हीं बीच का होता है। तो आपको ऐसे ही लेकर चलना है कि आपको इस टाइम का, आपका टाइम जो है ये इस टाइम में आपको पढ़ाई ही करनी है, ताकि आपका एक ह्यूमन क्लॉक जो है आपकी वो एक यूज़ टू हो जाए कि हाँ भाई इस टाइम में पढ़ती ही हूँ। तो आपको एक प्लान करना अपने डे को एग्ज़ाम डे के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई एग्ज़ाम होगा तो मैं सुबह पढ़ूंगा, शाम में ये होगा, और सुबह दोपहर के टाइम पे जिस टाइम एग्ज़ाम होता है उस टाइम भी मैं पढ़ूंगा, राइट। तो चलो अब बात करते हैं हम अपने लास्ट टिप की, जो कि है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सही अमाउंट में पानी पी रहे हैं कि नहीं, राइट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है मोस्टली वाटर से बनी हुई है, और साथ में आपके ब्रेन को वाटर की काफ़ी ज़रूरत होती है। साथ में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने वाला आपका ऑर्गन ब्रेन ही है, तो आपको वाटर सही अमाउंट में लेना चाहिए। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग आपको इतना वाटर आपको कंज्यूम करना चाहिए, राइट, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो ये 10th टिप थी आपके लिए अगर आप क्लास 11th में हैं। तो आई होप आपको ये सब पसंद आई होंगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद।
जय भारत।